हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि आज़ादी माह में तांबे और पीतल के बर्तन घर पे चमकाना बताएंगी कि घर में आप कितनी आसानी से पीतल के बर्तनों को चमका सकते हैं, तांबे के बर्तनों को चमका सकते हैं और बिना किसी केमिकल या पीताम्बरी पाउडर के। तो दादी माँ बताइए, आप पीतल और तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए क्या यूज करने वाली हैं? घर में ही अपने किचन में ही रहती है, बहुत सस्ती थी, बस साफ करने के लिए। अगर आप पूरा वीडियो देखिए और इसमें पता लगे क्या है, मैं बताऊंगी किससे चमकाया जाता है, बहुत आसान तरीका। अच्छा दादी माँ, आपने सस्पेंस बना के रखा है कि आप किस चीज से चमकाने वाली हैं? देखिए आप, हम बताते। दादी माँ, हमें वीडियो में कुछ सफेद सफेद पाउडर दिख रहा है, तो हमारे व्यूअर्स की भी जो बेचैनी है उसको दूर करिए और आप बताइए दीजिए आप किससे साफ कर रही हैं? आपने किचन में ही जो नमक रहता है उससे ऐसा लगा लीजिए और अच्छा चमक लीजिए, अच्छा चमक जाएगा आसानी से बिना किसी मेहनत के। तो देखिए, जो घर में सब्जियों में स्वाद बढ़ाने के लिए नमक डाला जाता है, आप उससे ही तांबे और पीतल के बर्तनों को चमका सकते हैं। देखिए दादी माँ ने पहले से ही ये तांबे से ये जो चक्का ढक्कन है इसको चमकाया है, पूजन का लोटा है देखिए इसको भी चमका दिया है दादी माँ ने। ये आप पीतल की थाली देख सकते हैं कैसे गोल्ड की तरह चमक रही है। अब ये जो तांबे की बोतल है जो अभी आपने देखी थी कितनी काली पड़ रही थी, अब इसको भी ये नमक से चमका रही है। देखिए ये हमारी कह रही है मेड, हमारी कह रही है कि पहले आप किससे धोती थी? पीताम्बरी पाउडर से धोती थी, जिसके लिए इनको पहले मार्केट जाना पड़ता होगा, फिर लेके वहाँ से आना पड़ता होगा आपको। देखिए, लेकिन अब हमारी दादी माँ ने कहा है कि घर में ही नमक है तो आप कहीं आपको जाना नहीं है, हर चीज का समाधान आपको घर के किचन से ही मिल सकता है। कोई नई तरीका नहीं है, पुराने जमाने का ही तरीका है, पुराने हमारी दादी माँ यहाँ से चमकाती। देखिए दादी की भी दादी माँ नमक से ही चमकाती थी, तो सदियों से जो आ रहा है तरीका कि हमें पीतल और तांबे के बर्तनों को कैसे साफ करना है, तो आप भी घर में केमिकल फ्री पाउडर की जरूरत नहीं है लाने की, घर में ही जो नमक है उसे पीतल और तांबे के बर्तनों को चमकाइए। कितनी ज्यादा परेशानी होती थी आपको पीताम्बरी पाउडर लाने में? बहुत परेशानी। देखिए बाजार जाओ, घरों से खरीदो, घरों से झंडे आकर देखिए। देखिए अब इनको पता चल गई है, तो ये भी अब पीताम्बरी पाउडर का यूज नहीं करेंगी, कह रही है कि हम भी नमक का ही यूज करेंगे पीतल और तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए। तो आप भी घर में जो भी पुराने पीतल या तांबे के बर्तन पड़े हो तो सोच रहे हो कि अब इन्हें फेंक देना चाहिए, तो फेंकिए मत, इन्हें नमक से चमकाइए और अपने किचन की शोभा बढ़ाइए। क्योंकि पीतल और तांबे के बर्तनों में का जो पानी है, अगर हम उसको पीते हैं तो उससे हमारी कई बीमारियां ठीक होती हैं और हमारी स्किन में भी ग्लो आता है। एक बार पीतल और तांबे में रखे हुए पानी को पी के आप एक मंथ पी के देखिएगा और आपकी स्किन, और तब जब पानी आपने शुरू किया है पीतल और तांबे के बर्तनों में पीना, तब आप फर्क जरूर महसूस करेंगे। ये भी बता रही हैं कि पीतल के बर्तनों में ही और तांबे के बर्तनों में ही पहले पानी पिया जाता था, तो पानी दिया जाता, अब गिलास नुकसान कर रहा। ये देखिए, ये बता रही हैं कि अब केमिकल मतलब प्लास्टिक के बर्तनों का यूज होने लगा स्टील के बर्तनों में, पहले पीतल और तांबे के और मिट्टी के बर्तन ही यूज होते थे जिससे हमारी हेल्थ ठीक रहती थी। पहले इतना हमें डॉक्टरों के यहाँ चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे, क्योंकि हम जो बर्तन हमारे पूर्वज यूज करते थे उसमें खाना जो रहता था वो है बहुत हेल्दी, और पानी जो हम पीते थे बर्तनों में से खाते पहले, और फिर तरह के बर्तनों में से बनाते और भाई चम्मच रहते पीता थे, बचपन में होते सब अच्छे रहते, अब बीमारी बढ़ गई है स्टील के वैसे बना बना खा रहे हैं। देखिए लोहा पीतल तांबा पहले यही सब चलता था जिससे हम स्वस्थ रहते थे, आज कई बीमारियों ने हमें घेर रखा है क्योंकि हम प्लास्टिक और नॉन स्टिक के बर्तनों का यूज करने लगे हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव करें और पीतल तांबा लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल चालू कर दें। अगर गाइज आप सबको स्वस्थ रहना है तो आप खाना लोहे के तांबे या पीतल के बर्तनों में बनाना शुरू कर दें।
देखिए ये हमारे यहाँ बता रही है मेट के मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग इन्होंने बताया है। जमाने से वो मिट्टी के दही जमाते बता रही है, मिट्टी के बर्तन में जो दही जमाया जाता था वो बहुत स्वादिष्ट लगता था और दूध औटाया जाता था, उसे पी के बच्चे बलवान बनते थे। और आजकल के बच्चे जिनको हम नॉन स्टिक पैनों में और स्टील के पैनों में दूध उबाल के पिला रहे हैं उन्हें हमें डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ रहा है। मिट्टी के बर्तनों में देखिए हर काम मिट्टी तांबा और पीतल के बर्तनों में ही किया जाता था, किया जाते हैं परेशान नहीं होते। अभी मैं बना रहा हूँ स्टील के में है, लोहो भी है वो मैं पता है लोहो है के नहीं है, लोहो जरूरी है। देखिए शरीर के लिए बता रही हैं आयरन कितना जरूरी होता है स्वस्थ रहने के लिए। देखिए आप चमक देख सकते हैं, पहले क्या थी बोतल की कंडीशन और अब देखिए किस तरह से दादी ने इसको रगड़ रगड़ के चमका दिया है। तो देख सकते हैं आप घर में के किचन में नमक से ही किस तरह से हम बर्तनों को चमका सकते हैं। तो आप भी तांबे पीतल मिट्टी लोहे के बर्तनों का किचन में इस्तेमाल करिए और स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।